हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्तियाज़ ब्लॉग्स। तो आज हम लोग जाने वाले हैं इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए रियाद में, और ये इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल होता है VFS ग्लोबल ऑफिस में, जो उमर अल हमाम में है। वहाँ पे इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल होता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं आज पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए। और ये पासपोर्ट मेरा नहीं है, हमारे उम्मीद भाई का है। तो आज हम इस वीडियो में आपसे पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम लोग को पासपोर्ट रिन्यूअल कराने में कितना कॉस्ट लगा और क्या क्या रिक्वायरमेंट था पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए। और इसमें आपसे ये भी शेयर करेंगे इंडिया में इसका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस जाने से पहले, सबसे पहले आपको लेना है अपॉइंटमेंट। बिना अपॉइंटमेंट के आपको ऑफिस में एंट्री नहीं मिलेगा। तो जब भी जाए पासपोर्ट रिन्यूअल कराने के लिए, सबसे पहले आप बुक करें अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट बुक करने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। चलिए आपको हम आगे दिखाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। आप इसको अपने मोबाइल फ़ोन से बुक कर सकते हैं या आप कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। जब आप लिंक पे ओपन करेंगे तो सबसे पहले वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको साइन इन करने का। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो हम जस्ट यहाँ पे साइन इन कर रहे हैं। अगर आपका नहीं है तो आप पहले अकाउंट बनाएं, फिर यहाँ पे साइन इन करें। तो जैसे ही करेंगे साइन इन, यहाँ पे ऑप्शन आएगा स्टार्ट न्यू, उसके बाद ये आपका ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेंटर, कौन सा सेंटर आपको जाना है। तो हम लोग को जाना है यहाँ पर रियाद में उमर अल हमाम में, तो हम लोग उसको करेंगे सेलेक्ट। फिर यहाँ पे आपका टाइप ऑफ सर्विस क्या है, तो मेरा सर्विस है पासपोर्ट का, बस आपको यहाँ से करना है कंटिन्यू। यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है आपको, डेट ऑफ बर्थ डालना है यहाँ पे। अब यहाँ पे डालना है आपको ओल्ड पासपोर्ट, जो पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो रहा है, यहाँ पे वो नंबर डालिए ओल्ड पासपोर्ट नंबर। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको डालना है डेट, आपका ओल्ड पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है। और ये आप इसको अपना मोबाइल से भी फिलअप कर सकते हैं, गूगल क्रोम में जाके उसको आप चेंज कर दीजिए डेस्कटॉप मोड पे, तो सेम से मैसेज हो जाएगा। फिर इसके बाद सेव करें। तो यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, कौन सा डेट में आपको चाहिए अपॉइंटमेंट है। तो यहाँ पे डेट देख सकते हैं अवेलेबल है, 17, 18, 21, 22, इस तरह से डेट अवेलेबल है। जो भी डेट में आपको चाहिए वो डेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट किए हैं 17 अगस्त। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से टाइम को कर सकते हैं सेलेक्ट, आपको कौन सा टाइम में लेना है अपॉइंटमेंट। तो हम सेलेक्ट किए हैं 1 PM। अब यहाँ पे कुछ चार्ज है, आप ये चार्ज देख सकते हैं। अगर आप ये सर्विस वहाँ से लेते हैं तो आपको ये सब पे करना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप का, इंटरनेट सर्विस का, फोटोग्राफी का, सभी चार्ज यहाँ पे मेंशन है। अगर आप कोई भी लेते हैं एक्स्ट्रा सर्विस तो आपको इतना रियाल पे करना पड़ेगा। चलिए करते हैं कंटिन्यू। तो यहाँ पे देख लीजिए एक बार, पूरा सबमिट है सही से नहीं कि नहीं। यहाँ पे हम सेलेक्ट किए हैं फॉर्म फिलअप का, चार्ज वहाँ पे वो फिलअप कराएंगे। उसके बाद क्लिक करें कंटिन्यू। तो अब ये देख सकते हैं चार्ज जो है 34 50 हलाला है, तो आप वो वहाँ जाकर पे कर सकते हैं डायरेक्ट। उसके बाद दोनों सेलेक्ट करना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको मैनेज भी कर सकते हैं अपॉइंटमेंट को। चलिए इसको देखते हैं अपॉइंटमेंट को, ईमेल में आ गया है। तो ये देख सकते हैं ये अपॉइंटमेंट पेपर है जो PDF फाइल में था। आप जब भी जाएं, जब भी डेट है आपका, तो इसको प्रिंट करके साथ में लेके जाएं, तभी आपको ऑफिस में एंट्री मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा ऑफिस में एंट्री। तो अब हम लोग जा रहे हैं इंडियन पासपोर्ट ऑफिस, जो वीडियो पहले बोले हैं VFS ग्लोबल में, और ये हमारे साथ में उम्मीद भाई, इनको तो आप जानते ही पहले से, यही उम्मीद भाई है। अस्सलाम वालेकुम, हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट रिन्यू करने के लिए। ठीक
ओके, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आज आपको बताएंगे पूरा क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है। अगर हमको अंदर जाने देगा तो हम अंदर जाएंगे, नहीं तो उम्मीद भाई जाएंगे। इनको साथ में जो जो होगा वो हमको बोलेंगे, आप लोग को हम बताएंगे वीडियो में आगे। तो चलिए कुछ आपको व्यू दिखा देते हैं आपको रियाद का। देखिए अब हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ से हम लोग को जाना है राइट, ये है उमर अल हमाम स्ट्रीट, इसी के आसपास में है। आगे सारा से हम लोग लेंगे यू टर्न, बस आ जाएगा। अगर आप कभी आइएगा तो समझ के इस लैंडमार्क, ये पांडा है, रेड टैग है, उसके बाद ही आएगा आपका कोडू के बगल में। यहाँ से जाना है आपको, देखिए यहाँ से जाना है राइट, देखिए सब खड़े एजेंट लोग काम के लिए। देखिए वहाँ इंडिया वीजा पासपोर्ट ऑफिस दिख गया आपको। तो ये है पासपोर्ट ऑफिस का एंट्री गेट, यहाँ पे आपको चाहिए तवकल्ला देखेंगे, उसके बाद जाने देंगे। तो हमको ये पता था कि हमको अंदर एंट्री नहीं मिलेगा जाने का, जिसका पासपोर्ट होता है रेनू वही अंदर जा सकते हैं। तो हमारे उम्मीद भाई का था पासपोर्ट रिन्यूअल, वो अभी अंदर गए हैं, अंदर से आएंगे, उनका क्या क्या रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगा, क्या कितना रियाल लगा, ये आपको हम सब बताएंगे उनके आने के बाद। 1 hour later। तो एक घंटे के बाद उम्मीद भाई आ रहे हैं वापस ऑफिस से, उनके आने के बाद पूछते हैं क्या क्या लगा डॉक्यूमेंट वहाँ पे। तो हमारे उम्मीद भाई अब ये पूरा बताएंगे डिटेल्स, इनके साथ में अंदर में क्या क्या हुआ, कितना रियाल लगा, क्या प्रोसेस था, बताइए उम्मीद भाई। हम फर्स्ट में गए तो कलना चेक करता है, तो कलना के बाद में राइट हैंड को एक काउंटर है, उस काउंटर पे ऑनलाइन फार्म ऑन होता है, उसकी 35 रियाल लगती है। वो फार्म पूरा आपका डाटा जो भी है, आधार कार्ड, पासपोर्ट कॉपी जो भी है, वो अगर नए भी पासपोर्ट कॉपी नहीं है, कामा कॉपी नहीं, तो वो खुद निकाल लेता है उधर में, उसका कोई पैसा नहीं लगता है। उसके बाद हम पूरा फार्म चेक करेगा, चेक करके आपको 35 रियाल देना पड़ेगा उसको, 35 रियाल दे के उसके बाद में वो सामने दूसरे काउंटर पे भेजेगा, उस काउंटर पे फिर उधर एक लेडीज जो चेक करेगी पूरा फॉर्म, लेडीज जेंट्स जो भी है वो चेक करेगा पूरा, आपका नाम, वार्ड नंबर, एक एक यानी एक एक अक्षर चेक करेगा, स्पेलिंग के अक्षर भी चेक करेगा। पूरा चेकिंग करने के बाद में वो आपको टोकन नंबर देगा, टोकन नंबर लेके आप उधर से ही लेफ्ट साइड घूमते ही सीढ़ी है, ऊपर में सीढ़ियों पर जाओगे तो वहाँ पर जाके पूरा वो बैठे आदमी लोग बैठे हैं, और वो काउंटर नंबर बोलेगा, जिस हिसाब से आपको काउंटर नंबर बोलेगा उसी हिसाब से आपको जाके उधर में वो एक फॉर्म देता है, वो फॉर्म को पूरे को वो खुद पे करती है, लेडी है वो खुद पे करती है पूरा फॉर्म। पे करने के बाद में आपका पूरा एड्रेस दोबारा चेक करता है, जो भी एड्रेस है वो चेक करता है। उसके बाद में आपको ये वाला 365 रियाल जमा करनी पड़ेगी, आपको एक पेपर मिलेगा, ये रसीद है, मतलब ये रसीद मिलेगी 10 दिन का या 15 दिन का, जब 20 दिन का टाइम लेती है, उसी टाइम से आपके पास में पासपोर्ट वाला एरोमैक्स वाला फ़ोन करेगा और एरोमैक्स के जरिए आपके पास पासपोर्ट पहुंच जाएगा। तो इनका पैसा जो लगा है टोटल 365 रियाल लगा है, प्लस ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलअप नहीं किए थे तो इनका 35 रियाल चार्ज लगा। फोटो कौन सा लगा आपका? फोटो जो मैं लगे गया फोटो वही लगा आपका। तो कितना फोटो लगा? दो फोटो लगा। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो। ये फोटो लगेगी पासपोर्ट साइज में, ये फोटो आती है, छोटी मत लेके जाइयो, ये 5 इंच की फोटो, 5 सेंटी फोटो है, 50 mm की। ये फोटो हम लोग बनाए थे 50 mm। ये फोटो हम लोग वहाँ बनाए थे बथा में, 35 रियाल चार्ज लगा था, 7 फोटो 8 फोटो दिया था 35 रियाल में। अगर आपको बनाना है तो वहाँ बना सकते हैं, या आप आपको यहाँ भी वो लोग बना के दे देंगे। तो टोटल चार्ज लगा 365 रियाल और पासपोर्ट 10 दिन के बाद आएगा, और बीच में हो सकता है आप बोला है कि आपका ये होगा पुलिस वेरिफिकेशन इंडिया में, नहीं तो नहीं पूछा नहीं होगा, एड्रेस चेंज करना होगा, क्योंकि इनका एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो इनका शायद पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा। अगर कुछ होता है तो हम बताएंगे अगले वीडियो में। तो अभी हम लोग वेट करेंगे 10 डेज, फिर 10 डेज के बाद आपको बताएंगे। तो आज हमारे उम्मीद भाई का पूरा पासपोर्ट काम हो गया है, तो आज बोले हैं कि थोड़ा पार्टी देंगे, तो आज हम जा रहे हैं इंडियन होटल में, इंडियन बिरयानी खाएंगे आज। चलिए फिर चलते हैं बिरयानी खाने।
लोग ये ऑर्डर किए हैं, चिकन बिरयानी, पापड़, सलाद, यही सब है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हम लोग बिरयानी खा लिए, थोड़ा तीखा था, स्पाइसी था, अच्छा था लेकिन। और आप लोग का कुछ ऐसा ऐसा कमेंट आता है वीडियो में जो जिसका मेरे पास आंसर ही नहीं होता है। एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई पासपोर्ट पे अपना माँ का बाप का दोनों का नाम चेंज करना है, कैसे होता मुझे मालूम नहीं है। ये बात पता आपको भी तो कैसा था। तो हम लोग गए, अब जा रहे हैं वापस रूम की ओर, और आफ्टर 10 डेज कैसा होता है वो आपको हम लोग बताएंगे। फिर मिलते हैं 10 दिन के बाद। तो फाइनली 7 दिन के बाद ये पार्सल आ गया RMX से। तो ये पार्सल हम रिसीव नहीं किए, ये रिसीव किए उम्मीद भाई। ये आपको कॉल आया था, ये मेरे को कॉल आया था 7 दिन के बाद में, मेरे को कॉल आया था। तो उसको फिर मैं जाके इसको लेके आया हूँ। अच्छा। और घर पे भी पुलिस में भी उधर इसकी इंक्वायरी गई थी, तो वहाँ पर उन्होंने मांगा है आधार कार्ड और पासपोर्ट कॉपी, राशन कार्ड का फोटो कॉपी और वोटर आई डी कार्ड जो है आपका होता है, इलेक्शन कार्ड उसका मांगा, फोटो लगा वहाँ पे। और कुछ पैसा भी लिया वहाँ? नहीं, कोई पैसा नहीं लिया, बस जमा किया उधर ने, बस हो गया। आपका वेरिफिकेशन ना। तो ये पासपोर्ट आ चुका है, चलिए करते हैं इसका अनबॉक्सिंग, उसके बाद फिर बताते हैं आपको और डिटेल्स। तो इनका 3 पासपोर्ट है, दो आपको पुराना ना, ये 2 पुराना, और ये रहा नया पासपोर्ट। नया पासपोर्ट आ गया अमित भाई का। और अमित भाई, कितना लगा आपका पैसा टोटल कितना लग गया अभी तक? 400 लग गया। 400 लग गया पूरा टोटल आपका? 365 पासपोर्ट का फीस लिया, 35 फॉर्म का लिया, ऑनलाइन फॉर्म का। ठीक है, तो यही था प्रोसेस पूरा पासपोर्ट रिन्यू करने का। हम लोगों ने इस वीडियो में बस आपसे यही शेयर किए हैं, हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है पासपोर्ट बनाने में, कैसे कैसे पासपोर्ट बना। हमने पहले अप्लाई किया ऑनलाइन, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए, पहले लिए अपॉइंटमेंट, फिर वहाँ गए हम लोग ऑफिस, तो बनाई सब पासपोर्ट, फिर उसके बाद आया पासपोर्ट, इंडिया में भी हुआ पुलिस वेरिफिकेशन। तो कुछ बात यहाँ पर बोलना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग जो है पासपोर्ट ऑफिस में या एम्बेसी में काम नहीं करते हैं, हम लोगों ने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। क्या अमित भाई, सही। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, हम कैसे बनाएं, या हमको स्टम्पिंग करवाना है एम्बेसी से, तो ये सब काम हम लोग नहीं करते। हम लोगों ने इस वीडियो में जस्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे बनता है इंडियन पासपोर्ट। तो हम लोगों ने इसका ब्लॉग बनाया है इंडियन पासपोर्ट रिन्यूअल का। तो पासपोर्ट अल्हम्दुलिल्लाह आ गया, उम्मीद करते हैं कि आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय 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 बाय।